Hello students and all the viewers. You are watching my YouTube channel and I am Mohammad Arafat Khan. Welcome to another unit of physics, another lesson of physics, one of the very important lessons जिसको हम कहते हैं electromagnetic induction. अच्छा electromagnetic induction इस वाले lesson से पहले वाला जो lesson था हमारा जो unit था उसमें हमने electromagnetism के बारे में पढ़ा था है ना याद है आपको अगर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में उस लेसन में हम लोगों ने एक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात सीखी थी वो क्या सीखी थी कि हमारे पास 1819 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसमें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टियन ऑर्स्टेड. उसने ये डिस्कवरी की थी कि करंट कैरिंग वायर जो है वो प्रोड्यूस करती है अपने आस पास कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. याद है आप लोगों को, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी. इसके बाद मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स हुए, मज़ीद टॉपिक्स वजूद में आए. तो इस डिस्कवरी के मुताबिक 1819 में इस डिस्कवरी के मुताबिक अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, वायर हो, कंडक्टर हो, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो करंट अपने आसपास पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को. इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के जहन में एक सवाल आया. उन्होंने सोचा कि अगर करंट पैदा कर सकता है या करंट पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को पैदा कर सकती है. एक छोटा सा मासूमाना सवाल आया साइंटिस्ट के जहन में कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को पैदा कर सकती है. अच्छा देखो, एक करंट तो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, अगर आप किसी भी सोर्स को कनेक्ट करते हो किसी भी रेजिस्टर के साथ तो इसमें करंट फ्लो करता है आए. हम इस वाले करंट की बात नहीं कर रहे, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत पहले डिस्कवर हो चुका है. करंट मतलब किसी भी टर्मिनल के साथ, किसी भी दो टर्मिनल्स हो, एक हो हायर पोटेंशियल एक हो लोअर पोटेंशियल, इसके साथ आप किसी भी रेजिस्टर को कनेक्ट कर दो, सर्किट कंप्लीट कर दो, उसमें करंट फ्लो करता है. हम इस वाले करंट की बात नहीं कर रहे, ये तो करंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. हम किसकी बात कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर हो, ये रहा कंडक्टर, और इसको आप किसी फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस कर रही हो, पास कर रही हो, है ना. इस कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फील्ड क्या इस कंडक्टर में करंट को पैदा कर सकती है, सवाल ये था. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना. तो 1819 में डिस्कवरी हुई थी, मतलब ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि हाँ भाई करंट अपने आसपास पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद इस सवाल के जवाब में साइंटिस्ट निकले, लगे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए. बहुत सारे अटेम्प्ट्स कैसे किए कि कंडक्टर को बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा, पास किया फील्ड को, उसमें से पास किया, तकरीबन 10 साल तक लगे रहे अटेम्प्ट्स किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और जवाब आया नहीं, ऐसा नहीं हो पाया. उसके बाद क्या हुआ, 1830 में यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ हेनरी, 1830 में, और इंडिपेंडेंटली एक साल के बाद माइकल फैराडे इंग्लैंड में, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये डिस्कवर किया कि हाँ हो सकता है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट को पैदा कर सकती है, ये उन्होंने डिस्कवर कर लिया. ठीक है, अब सुने, उन्होंने कहा कि जिस कंडक्टर में या जिस कॉइल में, कॉइल हो या कंडक्टर हो, मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देता हूं, क्या है बता देता हूं आगे जब डिस्कशन आएगी, जिस कंडक्टर में या जिस कॉइल में आप करंट इंड्यूस करना चाहते हैं या ईएमएफ इंड्यूस करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको उसको रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड में. जाहिर सी बात है हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, तो आप उस कंडक्टर को किस में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड अगर उस कंडक्टर को पास कर रही है, उस कॉइल को पास कर रही है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, फ्लक्स है. पढ़ा है ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ कॉइल, पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है. तो देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बी ए एंड कॉस थीटा, याद ही पढ़ा था हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये फ्लक्स क्या होता है. माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ये डिस्कवर किया कि अगर आप चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, यानी कि करंट इंड्यूस हो जाए, तो आप उस कॉइल का किसी भी तरीके से फ्लक्स चेंज कर दें. बस इफ You change the flux of that coil, if you change the flux of that conductor, then the EMF will be induced. उस coil में, उस conductor में EMF induce हो जाएगा, और अगर EMF induce हो जाए तो उसमें current flow कर सकता है. बस ये छोटी सी बात थी. तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ हम कंडक्टर को, कंडक्टर में EMF किस तरीके से induce कर सकते हैं, किसी भी coil में current किस तरीके से induce कर सकते हैं, तो आपका जवाब एक ही होगा, by changing the flux of that coil.
बाय चेंजिंग द फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल या बाय चेंजिंग द फ्लक्स थ्रू दैट कंडक्टर. अगर हम कंडक्टर का फ्लक्स चेंज कर दें, फाई चेंज कर दें, या हम कॉइल का फाई चेंज कर दें, तो फ्लक्स के चेंज होने से उस कंडक्टर में, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. और ईएमएफ का मतलब जाहिर सी बात है क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है. मतलब एक तरफ कॉइल का बन जाता है पॉजिटिव और एक तरफ कॉइल का बन जाता है नेगेटिव. मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस को ही बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं, ईएमएफ कह रहे होते हैं. तो अगर ईएमएफ होगा तो जाहिर सी बात है चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, करंट. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ्लो करता है इंड्यूस्ड करंट, बशर्ते कि अगर वो सर्किट क्लोज हो, है ना. वरना ईएमएफ तो आ जाएगा. मतलब आप वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं, हाँ भाई ईएमएफ आ रहा है, शो कर रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई. लेकिन अगर ये क्लोज सर्किट नहीं होगा, अगर ये क्लोज सर्किट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज सर्किट चाहिए, सर्किट चाहिए, या यूं कहो कि कॉइल चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्कवरी हमें समझ आ गई कि अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा हो तो हमें सिर्फ क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करना है. उस कंडक्टर का, उस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर दो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, उसमें करंट इंड्यूस हो सकता है. और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज करें और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसमें करंट इंड्यूस हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, डेफिनेशन लिख. तो ये रही वो डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई. देखें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, वो सारी वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई थोड़ी देर पहले. A process in which an EMF is set up, या यूं कहो कि an EMF is induced, पैदा हो जाए, is set up in a coil by changing magnetic flux through it. यानी कि अगर आप किसी भी coil का magnetic flux change करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस magnetic flux change होने की वजह से जो EMF set up होगा, जो EMF पैदा हो जाएगा, ऐसे process को हम कहते हैं electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. और ऐसे EMF को क्या कहेंगे, induced EMF. जो flux को change करने की वजह से EMF पैदा होता है coil में, ऐसे EMF को हम कहते हैं induced EMF. और अगर वो coil और अगर वो conductor मिलकर बना रहे हैं एक closed circuit, ये देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है, and if a coil forms a closed circuit. अगर तो वो coil closed नहीं है, सिर्फ कॉइल है, आपने क्लोज सर्किट नहीं बनाया हुआ, सिर्फ कंडक्टर है, उसको क्लोज नहीं किया हुआ, तो ईएमएफ तो पैदा हो जाएगा. आप उसको वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं. लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज सर्किट चाहिए. ठीक है, तो आगे देखें क्या लिखा हुआ है, एंड इफ अ कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट देन इंड्यूस ईएमएफ कॉजेस करंट टू फ्लो. तो जाहिर सी बात है ईएमएफ का काम ही क्या होता है, ईएमएफ का काम होता है करंट को फ्लो करवाना. लेकिन करंट के लिए शर्त है, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड. अगर तो सर्किट क्लोज हो गया तो वो जो ईएमएफ पैदा हुआ हुआ है वो ईएमएफ उस सर्किट में करंट को फ्लो करवा देगा. और ऐसे करंट को जो कि इंड्यूस ईएमएफ फ्लो करवाता है, ऐसे करंट को भी हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट. तो देखें क्या लिखा हुआ है, कॉजेस करंट टू फ्लो, सच अ करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. तो आसान सी बात, याद करने वाली बात क्या, कि जब भी किसी कॉइल का, जब भी किसी कंडक्टर का हम फ्लक्स चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और अगर सर्किट क्लोज हो, कॉइल क्लोज हो, कंडक्टर मिलकर बना रहे हो क्लोज सर्किट, तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा और ऐसे करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट. अब सवाल पैदा ये होता है कि हम किसी भी कॉइल का, किसी भी कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. सवाल क्या है, सवाल ये है, हाउ, या सवाल लिखने की क्या जरूरत है, इसको हेडिंग कर देते हैं, हाउ फ्लक्स इज चेंज्ड. फ्लक्स कैसे चेंज किया जाता है. ठीक है, अब इस फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमें फ्लक्स का फॉर्मूला देखना होगा. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए एन कॉस थीटा. यह हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मौजूद है. ऐसा है, अब देखो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है तीन चीजों पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर भी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड. फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द कॉइल पर भी. और फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन बी एंड ए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एरिया पर भी. यानी कि तीन ऐसी चीजें हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है. अगर आप इन तीनों में से एक वक्त में कोई भी एक चेंज कर दें तो डायरेक्टली फ्लक्स चेंज हो जाएगा. ऐसा है, तो इसका मतलब फ्लक्स कैन बी चेंज्ड
in three different situations, in three different conditions. Number one, by changing the strength of the field, flux can be changed. Number two, by changing the area of the coil, flux can be changed. Number three, by changing the direction of the area, flux can be changed. तो एक बात करते हैं, एक बात इन बात को यहां पर लिख लेते हैं. क्या? नंबर वन, फ्लक्स थ्रू द कॉइल कैन बी चेंज बाय. अब बाय के बाद कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं. नंबर वन, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, है ना. तो अगर आप बी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर रहे हो, अगर आप बी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, इसका मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है. फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. नंबर टू, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल. अगर हम एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज कर दें, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक कॉइल हो, ये रही कॉइल, और इसको आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा हुआ है, ये पता है ना, फील्ड में रखा हुआ है. फील्ड को हम डॉट से भी शो करते हैं, क्रॉस से भी शो करते हैं, ये मैं रफली जल्दी जल्दी बना रहा हूँ. इसका मतलब ये सारे के सारे किसमें रखे हुए, सॉरी, ये सारे एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन टू द प्लेन है. इसका मतलब आपने इस कॉइल को फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है. तो अगर तो ये कॉइल सर्कुलर है, तो आपको पता है आप इस कॉइल को अगर बार बार खींचें और छोड़ें, खींचें छोड़ें, तो आपको पता है सर्कुलर का शेप चेंज होगा. जब इस सर्कुलर का शेप खींचने से चेंज होगा, फिर छोड़ें, फिर खींचें, तो इसका मतलब जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे और लीव करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर लीव करेंगे, तो इसका बेसिकली एरिया चेंज होगा. और जैसे इसका एरिया चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि एरिया चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. और अगर क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा. देन नंबर थ्री, बाय चेंजिंग द एंगल, ये भी तो आ रहा है ना, थीटा एंगल, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन बी एंड वैक्टर एरिया. और अगर आप कॉइल का वैक्टर एरिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है. अब ये सुन लें इसका मतलब क्या हो सकता है. लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक कॉइल रखी हुई है, या कोई भी एक कॉइल रखी हुई है, लेट सपोज, ठीक है. इस कॉइल का फिलहाल एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, ये इसकी एरिया की डायरेक्शन आ गई. फिलहाल आपस में क्या है, एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, है ना. ये ऐसे रखा हुआ है कॉइल, अगर ये कॉइल ऐसे रखी हुई है और फील्ड ऐसे जा रही है इसको क्रॉस करते हुए, तो एरिया की डायरेक्शन और फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में. और ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ. लेट सपोज मैं आपके सामने कोई यहाँ पर किसी बुक वगैरह से समझाता हूँ इस बात को. जी ये देखें, पहले लेट सपोज मेरे पास ये कोई एरिया है, पर्टिकुलर कॉइल ले लो या कोई भी एरिया कर लेते हैं इसको हम. अब देखें, फिलहाल ये ऐसे रखा हुआ है ना, इसकी एरिया की डायरेक्शन उस तरफ है और फील्ड भी इस तरफ जा रही है. अब अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट करूँ, ऐसे रोटेट करूँ या ऐसे रोटेट करूँ, तो अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूँगा, देखो एरिया की डायरेक्शन तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी. अगर मैं इसको ऐसे रखा हुआ हूँ तो फील्ड और एरिया आपस में सेम डायरेक्शन में. अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे लेकर आऊँ, तो अब फील्ड उस डायरेक्शन में, और देखो इसका एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो चेंज हो रहा है. पहले पैरेलल था, पैरेलल से परपेंडिकुलर की तरफ जाता जा रहा है और ये परपेंडिकुलर हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट करें, अगर आप कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस एरिया की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, ये दोनों आपस में चेंज होती हैं. इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो चेंज होता है, और जैसे ही एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और अगर कॉइल क्लोज्ड है, तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा, और ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे. समझ आई बात. इसका मतलब दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल. अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लक्स चेंज करें, तो आप इन तीन में से कोई भी फॉलो कर लिएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स जैसे चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई. आगे चलते हैं.
अच्छा फैराडेज लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जाहिर सी बात है उसको डिस्कवर करने में दो साइंटिस्ट हैं, एक जोसेफ हेनरी है और माइकल फैराडे है। तो जब ये डिस्कवरी हुई तो डिस्कवरी के साथ एक लॉ भी बन गया कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब ये लॉ बन चुका है। तो इस लॉ को डिस्कस करते हैं, और इस लॉ को हम जानते हैं किसके नाम से, फैराडेज लॉ के नाम से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, फैराडेज लॉ का जो बेसिकली पोर्शन है, मतलब जो उसकी स्टेटमेंट है, वो दो पार्ट्स में है। वो दोनों पार्ट्स डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पार्ट के अंदर तो उसने ये कहा कि यही बात जो हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अगर उसका फ्लक्स चेंज हो रहा हो। तो इसको पहले इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका पहला पार्ट नंबर वन, ये रहा हमारे पास फैराडेज लॉ का सबसे पहला पार्ट। पहले पार्ट के अंदर वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने समझी। देखो मैं रीड कर देता हूँ। एन ई एम एफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल थ्रू विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं और बार बार मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। द इंड्यूस्ड ई एम एफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। इस वाली बात का मतलब ये है कि जब तक उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता रहेगा, यानी कि चेंज इन फ्लक्स जब तक प्रोग्रेस में रहेगा, उस कॉइल में ई एम एफ इंड्यूस रहेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ रहे, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे, लास्ट करे, तो याद रखिएगा उस कॉइल का, उस कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होते रहना चाहिए। यानी कि चेंज इन फ्लक्स अगर प्रोग्रेस में है, जब तक प्रोग्रेस में है, यानी कि जब तक फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। सो इस बात का मतलब क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट रहना, लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। और अगर आप किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होना बंद कर दें, अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए, तो चेंज होना बंद हुआ है लेकिन फ्लक्स रहेगा। अगर चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर किसी भी कॉइल का, अगर किसी भी कॉइल में से, किसी भी फ्लक्स में से अगर ये तीन चीजें चेंज नहीं हो रही, ना तो बी चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है, और ना थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसका मतलब फ्लक्स है लेकिन कांस्टेंट है। मतलब उस कंडक्टर में से लाइंस पास तो कर रही है, फ्लक्स तो हो रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, अगर फ्लक्स हो लेकिन कांस्टेंट हो, तो इस सूरत में, इस कंडीशन में कभी भी उस कंडक्टर, कभी भी उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। तो देखें क्या लिखा हुआ है, एंड बिकम्स जीरो। कौन जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। कब, If flux through the coil becomes constant, अगर तो coil का flux change नहीं हो रहा, obvious ही बात है, अगर change नहीं होगा तो flux क्या होगा, constant। मतलब flux है, बात समझिएगा, मैं repeat कर रहा हूँ, अगर flux है और change नहीं हो रहा, इसका मतलब flux constant है। Flux constant होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब flux है ही नहीं, flux है लेकिन change नहीं हो रहा, तो इस condition में EMF हो ही नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर ईएमएफ नहीं होगा तो ना इंड्यूस करंट होगा, ना इंड्यूस ईएमएफ होगा, सीधी सी बात है। तो इस वाले स्टेटमेंट का मतलब बहुत सीधा सीधा है, बहुत आसान सा है। तीन पार्ट्स में है ये भी। पहले पार्ट में आपने ये बताया कि ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, दूसरे पार्ट में आपने ये बताया कि वो इंड्यूस ईएमएफ कब तक रहता है, और तीसरे पार्ट में आपने ये बताया कि वो जीरो कब हो जाता है, बिकम्स जीरो कब, जब फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर फैराडे ने हमें ये बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उस कॉइल का जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ठीक है, इस बात को यहां पर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is proportional to, और proportional लिख रहा हूं उसका मतलब डायरेक्टली ये is proportional to the time rate of change of magnetic flux। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज़्यादा कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा,
उतना ज़्यादा उस क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर, जितना ज़्यादा होगा। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाली साइन से, ये इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसको ऐसे ही बोलेंगे ना भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स में चेंज आना। सो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस ईएमएफ। और इसी बात को अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला बनाएंगे तो इस साइन को रिमूव करके कोई ना कोई कॉन्स्टेंट पुट करना है, कॉन्स्टेंट आ गया एन, बाकी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी एज इट इज मौजूद है। और इसी चीज में हम एक चीज और इंक्लूड करेंगे और वो आ जाएगा माइनस साइन। बस ये बन गया हमारे पास फैराडेज लॉ का फॉर्मूला, फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन ये बन गई। अब आप पूछेंगे सर नेगेटिव साइन क्या है, भाई नेगेटिव साइन के लिए हमारे पास पूरा एक लॉ और मौजूद है, उसको हम कहते हैं लेंज लॉ। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इस फैराडेज लॉ के अंदर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्यों आ रहा है। इस नेगेटिव साइन को डिफाइन करने के लिए पूरा एक लॉ है जिसको हम लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। सो दिस नेगेटिव साइन इज टू बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, है ये डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये बन गया हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, इतनी देर से हम जो कॉइल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कॉइल का कोई एक टर्न थोड़ी होता, वायर को हम बहुत दफा लिपेटते हैं। जब आप बहुत दफा लिपेटोगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को, बाकी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी अपनी जगह पे एज इट इज मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और सुन लीजिएगा, वो क्या कि इफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ फाई सॉरी इफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस बात का मतलब यह है, तो क्या होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ऐसा है भाई, अगर फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो लिखा हुआ है, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और अगर ईएमएफ जीरो हो जाए तो इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा, फाई जीरो नहीं होगा, फाई कॉन्स्टेंट है, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन याद रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा, तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात, यहां पर जो एन आ रहा है इस बारे में यहां पर लिख लो कि एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और नेगेटिव साइन टू बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, यानी कि लेंस लॉ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंस लॉ के बारे में, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करते हैं। आसान है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बस आपने याद ये रखना है कि जब भी किसी कॉइल का, जब भी किसी कंडक्टर का हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और फ्लक्स को चेंज करने के ये तीन तरीके होते हैं, मतलब अगर आपको फ्लक्स चेंज करना हो तो या तो ये चेंज कर दो, या तो ये चेंज कर दो, या तो ये चेंज कर दो, तो ये तीन तरीके होते हैं फ्लक्स को चेंज करने के, ठीक है। और साथ साथ फैराडेज लॉ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का छोटा सा आसान सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, साथ साथ हमने फैराडेज लॉ को भी कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया, इसमें से ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ था नहीं। हाँ, फॉर्मूला याद रखिएगा, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हाँ, एक लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड और है, वो रहता है, वो हम इसको क्या कहते हैं, लेंज लॉ, तो वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।